हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे रियलमी 6 प्रो में और पोको एक्स 2 में, और जानेंगे दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले से। तो रियलमी की डिस्प्ले है 6.6 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल का, और इसमें IPS LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है, और इसमें 1900 Hz का रिफ्रेश रेट। बात करते हैं पोको की डिस्प्ले की, तो इसमें 6.67 इंच की डिस्प्ले है, और इसका रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल का, और इसमें IPS LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, और इसमें 120 GHz का रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले के मामले में पोको का फ़ोन आगे निकल जाता है। बात कर लेते हैं रैम की, तो दोनों फ़ोनों में रैम में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में 6 GB और 8 GB की रैम दी हुई है। बात कर लेते हैं मेमोरी की, तो रियलमी में है 64 GB 128 GB की, और पोको में है 64 GB 128 GB 256 GB की। बात करें प्रोसेसर की, तो रियलमी का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G का, CPU है 2.3 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 8 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और इसका GPU है 618 का। बात करें पोको का प्रोसेसर की, तो इसमें स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर दिया हुआ है, CPU है 2.2 GHz ऑक्टा कोर का, और इसमें 8 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और इसका GPU है 618 का। प्रोसेसर में आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है दोनों फ़ोन में। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों का सेम है, एंड्रॉइड है 10 Pie का। बात करें बैक कैमरा की, तो रियलमी का बैक कैमरा क्वाड में है, 64 MP प्लस, 12 प्लस, 8 प्लस, 2 MP का, और पोको का बैक कैमरा भी क्वाड में है, 64 MP प्लस, 8 प्लस, 2 प्लस, 2 MP का। बैक कैमरा में आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फ़ोनों में फ्रंट कैमरा डुअल है, रियलमी में 16 MP प्लस, 8 MP का है, और पोको में 20 MP प्लस, 2 MP का है। बात करते हैं बैटरी की, तो रियलमी की बैटरी है 43 mAh की, और पोको में है 45 mAh की बैटरी। दोनों फ़ोनों में बैटरी टाइप नॉनेबल है, दोनों की बैटरी का आप निकाल सकते हैं। बात करते हैं चार्जर की, तो रियलमी का चार्जर है 30 वाट का, और पोको में है 27 वाट का चार्जर। दोनों फ़ोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, और दोनों में ही 3.5 mAh दिया हुआ है। बात कर लेते हैं कलर की, तो रियलमी में कलर है ब्लू और ऑरेंज, और वेट 195 ग्राम, और पोको में कलर है पर्पल, रेड और ब्लू, और वेट है 208 ग्राम। बात करते हैं सिम की, तो रियलमी में आप 2 सिम 7 MHz का डाल सकते हो, लेकिन पोको में आप 1 सिम या दूसरी सिम SD कार्ड डाल सकते हो, और कनेक्टिविटी दोनों में 3G और 4G की है, और दोनों की वारंटी सेम है 1 साल की। दोनों फ़ोन का ग्लास भी सेम है, गोरिल्ला का है, 5 प्रोडक्ट से बना हुआ है। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, LED फ्लैश लाइट दोनों फ़ोनों में दी हुई है। बात करें कंक्लूजन की, तो रियलमी में आपको 30 वाट का चार्जर मिलता है, ट्रिपल सिम का ऑप्शन मिलता है, पोको में आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलेगा, 45 mAh की बैटरी मिलती है, और 120 Hz का रिफ्रेश रेट। बात करते हैं प्राइस की, तो दोनों फ़ोनों का प्राइस में आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, सिर्फ 1000 रुपये का, और बाकी आप देख सकते हो। तो अगर आप दोनों फ़ोन से कोई फ़ोन की सोच रहे हो, तो अगर आपको प्रोसेसर गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है, तो आप पोको के साथ जा सकते हो, और ये पोको का फ़ोन वैसे भी बढ़िया है पीछे क्वालिटी में और डिस्प्ले में भी, और ऐसा नहीं है कि रियलमी का फ़ोन भी घटिया है, ये भी अपने साथ में बढ़िया है, लेकिन मुझे तो पोको का फ़ोन बेस्ट लगा दोनों फ़ोनों में से। बाकी आपकी सोच है, अब आपको देखने की आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है, कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया है, रियलमी का या पोको का।